नमस्कार, यूनिक किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं खीर। खीर बनाना बहुत ही आसान है। खीर बनाने के लिए पहले हम दूध को गर्म कर लेंगे, उबाल लेंगे थोड़ी देर। उसके बाद हम उसमें चावल डालेंगे, खीर वाले चावल। इसे हम थोड़ी देर पानी में भिंगो के रखेंगे ताकि ये जल्दी पक जाए, और दूध को भी पहले थोड़ा मोटा कर लेंगे उबाल के। उसके बाद हम इस तरह से चावल को धो के रखें थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले इसे हम डाल देंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। अगर आप चावल को थोड़ा भिंगा के पहले से रखेंगे तो ये खीर बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ये देखिए, ये उबल रहा है। इसे चलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो फिर दूध जल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से चलाते रहना है, ये बहुत जल्दी बनेगा। जैसे दूध को भी पहले थोड़ा मोटा कर ले उबाल के, और उसके बाद चावल को थोड़ी देर के लिए भिंगो के रख ले। इसे बनाना बहुत ही इजी है, झटपट बना सकते हैं। जब ये हो जाए, नरम हो जाए चावल एकदम, ये देखिए इस तरह से नरम हो चुका है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी स्वाद अनुसार, जैसा मीठा आपको पसंद है आप उस अनुसार मीठा डालें। अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा चीनी डालें, और अगर कम खाते हैं तो कम डालें। और खीर की क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है। थोड़ा सा बना रहे हैं तो चीनी कम डालें, और ज़्यादा बना रहे हैं थोड़ा ज़्यादा ही डालें। देखिए, चीनी डालने के बाद भी इसे थोड़ी देर इस तरह से चलाना है। ये देखिए, ये खीर बन चुका है। अब इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल के थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये देखिए, इस तरह से अब ये खीर तैयार है। धन्यवाद।